नमस्कार, आपका YouTube में स्वागत है। मैं आपको लिक्विड नाइट्रोजन को कैसे मतलब रखते हैं और क्या उससे हानि हो सकती है उसके बारे में बताऊंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तो अच्छा रहेगा, और लोगों को भी बताइए, शेयर करिए। आशा है वो डेयरी उद्योग में लाभकारी होगा। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में करीब 70-80% तक रहती है, इसलिए नाइट्रोजन को जब भी आप रख रहे हैं तो खुले में रखिए। मतलब टेम्परेचर की कोई बात नहीं, पर चारों तरफ से हवा आनी चाहिए। देखिए, उसमें ऐसा है कि अगर वो फैल गई, ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाए तो आप मूर्छित भी हो सकते हैं, क्योंकि वायुमंडल में 20% के करीब ऑक्सीजन होती है और मतलब 17% के करीब। दूसरी बात यह है कि जब भी आप नाइट्रोजन से डील कर रहे हैं तो आप चश्मा जरूर पहनिए। अगर वो आपके जैसे मैं कहूँ अभी धूप का चश्मा लगा रहा, पहले वैसे केमिस्ट्री का अलग से चश्मा आता है, वो आप ले लीजिए और उसको पहनिए, क्योंकि अगर ऐसा छींटा आपकी आँख में पड़ गया तो वो आपकी आँख जो है फूट जाएगी। अब देखिए, ऐसा है कि रोबाग छोटा सिलेंडर खरीद लेते हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे कि क्या ही साइज के सिलेंडर है, ये दिखाइए। ये देखिए, 3 किलो का सिलेंडर है, इसमें 3-4 दिन मतलब वो रहेगी आपको। अगर आप कहीं से सीमेंट लाना चाहते हैं तो आप उसमें ये देखिए, ये 11 मीटर का सिलेंडर है, तो इसमें 10-15 दिन से वो रुक जाएगा। ये जो है ये 1.5 लीटर का सिलेंडर है, इसमें 1 दिन ही रुकेगा। और 20 लीटर वाला कहाँ है, 2 दिन। चलिए, 2 दिन पर डिपेंड करता है आप मतलब कितना उसे मूवमेंट दे रहे हैं। और ये देखिए, ये 20 लीटर का सिलेंडर है, इसमें अगर आप इसको नहीं हिलाएंगे तो इसमें आपको 1 महीने के करीब वो हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया, नोवा जल्दी से मतलब छोटा सिलेंडर खरीद लेते हैं कि सस्ता है, ऐसी बात नहीं है। वो बड़ा सिलेंडर भी हाँ वो देखिए, और एक है ये 47 लीटर आती है, और इसमें 2 आते हैं, एक में तो ये होता है लिक्विड नाइट्रोजन लाने के लिए होता है, और एक में सीमेंट स्टोर करना है। अभी मैं बताऊंगा, इसका कैनिस्टर निकाल कर दिखाइए। इसमें लिक्विड नाइट्रोजन, ये इसमें आप लिक्विड नाइट्रोजन लाते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। यदि अगर आप दूर दराज वाले इलाके में हैं और वहाँ पे ये भी पड़ा है, इसमें सीमेंट रखते हैं। अब सीमेंट इसमें से जब आपको निकालना है तो पहले आप थर्मोकोल में वो निकालेंगे नाइट्रोजन, थर्मोकोल में नाइट्रोजन निकाल कर दिखाइए। उसमें उसमें से एक एक कैनिस्टर निकाल दीजिए, उसमें से इनने ये थर्मोकोल से नाइट्रोजन निकाल रहे हैं। इसमें ग्लव्स होने चाहिए वैसे, पर मतलब प्लास्टिक के ग्लव्स नहीं होने चाहिए, इसके स्पेशल ग्लव्स होते हैं, तो उससे ही आपको करना चाहिए। अब ये देखिए ना, नाइट्रोजन निकाल दीजिए, इसमें नाइट्रोजन डाल दीजिए। अब आपको उसमें से यदि अगर सीमेंट निकालना है तो आप उसके सीमेंट के कैनिस्टर को इस नाइट्रोजन में रखेंगे, और तब फिर आप सीमेंट को दूसरा सीमेंट भी है, ठीक है, इसमें सीमेंट निकालिए, इसमें केवल नाइट्रोजन है। अच्छा, इसमें कैनिस्टर नहीं आता नाइट्रोजन का, ठीक है। इसमें वो जो है, इसमें खाली नाइट्रोजन है। देखिए, इसमें ऐसा होता है, इसमें आप सीमेंट नहीं रख सकते, इसका मुंह जो है बहुत पतला होता है, और आप इसमें भरे रही है जब आपका कम होता है इसमें डाल दी, क्योंकि सीमेंट वाला सिलेंडर है वो आपको ज़्यादा ले नहीं जाना है, वो आपको डेयरी में ही रखना है। अगर आप उसको ज़्यादा चलाएंगे ऐसा हुआ सीमेंट नीचे भी गिर सकता है, और ये भी हो सकता है वो गैस उड़ जाए, तो वो जो है दिखाना उसको दिखाना बात कर ली।
ये देखिए ये वाला जो सिलेंडर है ये नाइट्रोजन लाने के लिए और ये सीमेंट रखने के लिए, ये जो है BN3 ये अगर आपको 3-4 दिन के लिए कहीं ले जाए, अगर आपको 10-11 दिन के लिए ले जाना है तो आपको BA11, अगर आपको 1 महीने के लिए करना है तो आप इसमें रख लीजिए। देखिए मेरे पास इसमें जो है वो सीमेंट भी है और इसमें सेलेरिया की वैक्सीन भी है, आप इसमें सेलेरिया की वैक्सीन भी रख सकते हैं। तो देखिए आप इसमें आपको अभी मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ कि सेलेरिया की वैक्सीन कैसे रखी जाती है, वो भी ये मैं अभी दिखा रहा हूँ कि जहाँ सीमेंट रखते हैं वहाँ वहाँ सेलेरिया की वैक्सीन भी रख सकते हैं। देखिए ये सेलेरिया की वैक्सीन है इसमें रखी हुई है, इसमें है सेलेरिया। अभी अभी मैं निकाल लिया, एक कॉइल निकाल कर दिखाइए इनको, चिमटी से निकाल लीजिए एक कॉइल को। देखिए ये जो है सेलेरिया की वैक्सीन निकाल रहा है और अब इन्हें ये सेलेरिया की वैक्सीन जो है वो अपनी बॉक्स से इसमें से एक वाइल को उठा दिया। देखिए ऊपर करिए और ऊपर करिए, देखिए ये एक वाइल है ना, ये 5 पशुओं के लिए है। ये जो है एक पशु को करीब 300 रुपये की लगती है। तो फिर तो आप कहना था मतलब आप सेलेरिया की वैक्सीन भी रख सकते हैं इसमें और ये भी रख सकते हैं। सेलेरिया की वैक्सीन के बारे में आप मेरे YouTube पर देख सकते हैं, ये जो है करीब 60,000 की आती है 300 डोज और इसको लिक्विड नाइट्रोजन में ही रखना पड़ता है। यदि अगर आपको ये लेनी है तो ये भी आप फास्टर जी से ले सकते हैं, क्योंकि 5,000 रुपये में कम से कम ये जो है वो 400 रुपये डोज के हिसाब से 4-5-20-2,000 की मिलती है। तो आप इसको भी ले सकते हैं, सीमेंट को भी ले सकते हैं। असल में जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें जो सीमेंट आते हैं वो कम से कम 80 डोज बेचते हैं उनको, पर यहाँ पे ऐसा है कि भास्कर जी जो है अपनी जेबी चलाते हैं, ये यहाँ पे आपको कम सीमेंट भी दे देंगे। अगर आप एक स्ट्रॉ मांगेंगे दे देंगे आपको, इनका सेक्स सीमेंट भी है, वैसा सीमेंट भी है, सब प्रकार का सीमेंट है। और ये AI में AI करने का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला रहे हैं, अगर यदि आपको AI में ट्रेनिंग लेनी है आप इनको संपर्क करिए तो ये आपको मतलब जो है आपकी आवश्यकता अनुसार, क्योंकि देखिए अगर जब तक आप AI करना नहीं सीखते वो कंपाउंडर या डॉक्टर साहब जो भी हैं वो आएंगे वो सबसे सस्ता वाला बीज डाल देंगे, और वो जब बीज डाल देंगे जब बच्चा पैदा होगा तब आपको पता चलेगा, फिर आप आगे आगे पंजाब जाएगा फिर जाए। तो इसलिए आप सिलेंडर रखिए अगर आपको डेली चलानी है, और अपने पास बीज रखिए और AI में प्रशिक्षण प्राप्त करिए। मेरी आपको शुभकामनाएं, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपकी उन्नति हो, आपको समझ आए। धन्यवाद।